हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है भाई डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर। इससे पहले हमने जो न्यूमेरिकल करे थे टेंशन मेंबर के, उसमें हम प्लेट के थे या फिर हमारा कोई एंगल हो उसके हमने स्ट्रेंथ निकालते थे। बट यहाँ पे हमने डिजाइन करना है टेंशन मेंबर को, दोनों के केस में, चाहे वो हमारे पास कोई प्लेट हो या फिर हमारे पास एंगल हो। तो बेटा उसके स्टेप होते हैं किसी भी चीज को डिजाइन करने से पहले। तो जो डिजाइन स्टेप है हमारे पास टेंशन मेंबर का, इसी के बेसिस पे हमारे न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। आगे तो फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले जो हमारे पास टेंशन मेंबर के अंदर, कैलकुलेट दी नेट एरिया इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। हमें नेट एरिया निकालना है अगर रिक्वायर्ड है। नेट एरिया को हमने पीछे भी क्वेश्चन किए, हमें उसे कैसे डिनोट करते हैं भाई, नेट एरिया को कैपिटल ए और स्मॉल एन उसके ए के पैरों में, ठीक है। तो यहाँ पे नेट एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा भाई, एक्चुअल लोड इन द मेंबर डिवाइडेड बाय परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस ब्रैकेट में एफ एस टी इक्वल टू 150 MPa, ठीक है। ये नेट एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। नेट एरिया निकालोगे, अगर आपको गिवन है तो कोई जरूरत नहीं, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे निकालोगे। नेक्स्ट है भाई ग्रोस एरिया निकालना है, फाइंड आउट द ग्रोस एरिया ऑफ द सेक्शन बाय इंक्रीजिंग नेट एरिया बाय 20-40% व्हेन रिविट आर यूज्ड फॉर कनेक्शन, 10% व्हेन वेल्डिंग इज यूज्ड फॉर कनेक्शन। देखो भाई अभी कहते हैं हमें ग्रोस एरिया निकालना है सेक्शन का, वो कैसे हमें इंक्रीज करेंगे अपने नेट एरिया को 20-40% जब हमारी रिविट 10% यूज है और हमने वेल्डिंग कनेक्शन का वहां पे यूज किया हुआ है, ठीक है भाई। स्टेप नंबर थ्री, हमें क्या निकालना है, सिलेक्ट करना है सुटेबल सेक्शन स्टील टेबल में से और कैलकुलेट करना है उसका नेट एरिया। जैसे हमने कल न्यूमेरिकल में क्या हुआ, हमें एक एंगल दे रखा था, एंगल की जो डिमेंशन थी वो थी शायद 200 या 115 टू 75 इंटू में 8 mm थी। तो उसका हमें सिंपल टेबल में जाना है, जो उसका बेटा वहां से नेट एरिया होगा वो हम वहां से निकाल लेंगे, ठीक है। सुटेबल सेक्शन हम कहां से लेंगे, स्टील टेबल में से लेंगे। स्टील टेबल नहीं होगी, अगर आपके पास पेपर हो तो आपको आईएस कोड दिए जाएंगे, उन आईएस कोड से आपको जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसके सीधा टेबल में जो नेट एरिया वहां पे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नंबर फोर भाई, कंपेयर द कैलकुलेटेड नेट एरिया कैलकुलेटेड व्हेन द नेट एरिया रिक्वायर्ड। हमें कैलकुलेट करना है नेट एरिया जो हमें कैलकुलेट किया है और नेट एरिया हमें कितना रिक्वायर्ड है। स्टेप नंबर फाइव है बच्चों, द कैलकुलेटेड नेट शुड बी स्लाइटली मोर देन रिक्वायर्ड। जो कैलकुलेटेड नेट एरिया है वो स्लाइटली ज्यादा होना चाहिए जो हमें रिक्वायर्ड है। इट शुड नॉट बी लेस इन एनी केस, किसी भी केस में ये कम नहीं होना चाहिए। इफ सिंगल एंगल सेक्शन इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड, देन सिलेक्ट एन इक्वल एंगल सेक्शन एंड कनेक्टेड द लॉन्गर लेग विद द गस्टेड प्लेट फॉर मोर स्ट्रेंथ। ये कहता है कि हमारे पास यदि सिंगल एंगल सेक्शन दिया हुआ है या सिंगल सेक्शन हमें रिक्वायर्ड है तो उस केस में हमें क्या करना है, तो वहां पे अनइक्वल एंगल को सिलेक्ट करेंगे और जो अनइक्वल एंगल की जो लॉन्गर लेग होगी उसको गस्टेड प्लेट के साथ हमने कनेक्ट करना है। अगर वो गस्टेड प्लेट की लॉन्गर लेग से कनेक्ट होगा हमारा जो भी सेक्शन, उससे उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ जाएगी। तो ये तो फर्स्ट फाइव थे भाई इसके। सबसे पहले बिट्टे रिपीट कर देता हूँ, नेट एरिया निकालना है, नेट एरिया फॉर्मूला ये रहा। उसके बाद हमें ग्रोस एरिया निकालना है सेक्शन का, वो कैसे 20-40% इंक्रीज कर देंगे अगर हमारे पास 10% रिविट का एरिया दे रखा है हमें, ठीक है, 10% रिविट यूज है। उसके बाद सुटेबल सेक्शन को हमें सेलेक्ट करना है, कैसे हम स्टील टेबल में से देखेंगे नेट एरिया वहां से लिया। अब हमारे पास दो नेट एरिया हो गए, जो हमें रिक्वायर्ड है वो हम चूज कर लेंगे। उसके बाद कैलकुलेटेड नेट एरिया हमेशा ज्यादा होना चाहिए जितना हमें रिक्वायर्ड है, अगर इसे कम हो तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर डबल की जगह सिंगल सेक्शन आप यूज कर रहे हो तो वहां पे आपने क्या लेना है, अनइक्वल सेक्शन लेना है और उसकी लॉन्गर लेग को कनेक्ट कर देना है किसके साथ भाई, गस्टेड प्लेट के साथ, जिससे उसकी ताकत बढ़ जाए, ठीक है बच्चों। अब स्टेप नंबर सिक्स, इसका स्टेप नंबर सिक्स में हमें क्या निकालना है, ए टेंशन मेंबर इन विच ए रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन स्ट्रेस ड्यू टू लोड अदर देन विंड और सिस्मेसिक फोर्स वुड अकर शुड नॉट हैव सिलेंडर रेशियो एल अपॉन में आर मोर देन 180 डिग्री। हाँ भैया देखो कहते हैं यहाँ पे एक टेंशन मेंबर है जिसके अंदर हमारी रिवर्सल होती है डायरेक्ट स्ट्रेस की लोड की वजह से, ड्यू टू लोड, ठीक है, और लोड या फिर नॉर्मल लोड या फिर हमारा वाइंड लोड है इसी सिस्मेसिक फोर्स की वजह से, जो वहां की हमारी सिलेंडर रेशियो एल अपॉन में आर है वो 180 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट है ए मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज ए टाई इन ए रूफ ट्रस बट सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ द स्ट्रेस रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ द विंड और सिस्मेसिक फोर्स शुड हैव सिलेंडर रेशियो एल अपॉन में आर शुड नॉट लेस देन एल अपॉन में आर नॉट मोर देन 350। ये कहता है भाई जो मेंबर मेरा एक्ट करता है एक टाई की तरह रूफ ट्रस के अंदर, उसके ऊपर हम सब्जेक्ट करते हैं स्ट्रेस लग रही है, रिवर्सल होकर स्ट्रेस लग रही है, उसका रिजल्ट क्या होगा हमारे पास एक्शन क्या, किस वजह से लगेगी, सिस्मेसिक और वाइंड फोर्स लगेगी और सिलेंडर रेशियो हमारी
एल अपॉन में यार भाई 350 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। अब ये नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, स्टेप नंबर 8, हमें क्या करना है, डिजाइन फोर्स ऑफ कनेक्शन, हमें कनेक्शन को कैसे डिजाइन करना है। पहला भाई रिवेट कनेक्शन को, रिवेट कनेक्शन को कैसे करेंगे, नंबर ऑफ द रिवेट रिकवर्ड इक्वल टू मैक्सिमम लोड इन द मेंबर डिवाइड बाय द रिवेट वैल्यू, ठीक है भाई। नेक्स्ट ये तो रिवेट कनेक्शन के लिए था, अब आती है बात वेल्डेड कनेक्शन के लिए, ठीक है। वेल्डेड कनेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे सुटेबल साइज होगा मेरे फिलेट वेल्ड का, ठीक है, बट वेल्ड का, और कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेंथ जो होती है मेरी वेल्डिंग की पर एमएम लेंथ में। तो टोटल लेंथ रिक्वायर्ड हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैक्सिमम लोड इन द मेंबर डिवाइड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड पर एमएम लेंथ, ठीक है भाई। अब लास्ट में भी कैसे चेक करना है, अभी क्या है, द लेंथ ऑफ द वेल्ड शुड बी अरेंज इन सच ए वे दैट इट डज नॉट कॉजेज एनी इसेंट्रिसिटी ऑफ द लोडिंग। जो हमारी वेल्डिंग की लेंथ है वो इस तरीके से अरेंज होनी चाहिए कि वो इसेंट्रिसिटी यानी कि जो हमारा इसेंट्रिसिटी लोडिंग की वहां पे क्रिएट ना हो, ठीक है। लेंथ वो चूज करें जिससे लोड आपका प्रॉपर डिवाइड हो, प्रॉपर सेंटर में एक्ट करे। नेक्स्ट अभी सिमिलरली अरेंज द रिविट फोर, अरेंज करने हमने रिविट को अपनी रिविट एंड कनेक्शन के लिए इस तरीके से कि वहां पे ये तो थी हमारी वेल्डिंग की, सेम हमें रिविट को भी ऐसे अरेंज करना है कि इसेंट्रिसिटी ना वहां पे डेवलप हो, ठीक है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, जो सीज होती है मेरी रिविट की वो कॉन्साइड होगी किसके साथ, जो एक्सिस होगा मेरा मेंबर का। इन केस ऑफ द टी सेक्शन वेर इट इज नॉट पॉसिबल रिविट आर प्रोवाइडेड ऑन द गेज लाइन, द गेज यूज फॉर डिफरेंट लेग साइज एज पर द डिफरेंट साइज ऑफ एंगल आर गिवन इन द टेबल 4.2। ये कहता है भाई तीनों सेक्शन दे दिए बच्चों में, वेल्डिंग कनेक्शन भी दे दिया सुनने हमें, हमें यहाँ पे रिविट भी दे दिया टी सेक्शन में। टी सेक्शन कहते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि रिविट जो होती है मेरी गेज लाइन की होती है, और टेबल नंबर 4.2 से हम उसकी वैल्यू जो एंगल का साइज है वहां से हम ले लेंगे। अगर मैं टेबल नंबर 4.2 पे जाता हूँ भाई पीछे, ये रहा भी देखो टेबल नंबर 2 रिविट गेज डिस्टेंस इन लेग ऑफ एंगल, एक साइड में हमें लेग का साइज दे रखा है, फिर डबल रो दे रखी है, सिंगल रो दे रखी है, ठीक है, मैक्सिमम रिविट का साइज दे रखा है। तो हम इस टेबल से हमें लेग का एमएम जो भी साइज है हमारे पास वो इसमें से चेक करेंगे और उसको उठा लेंगे जो हमें, ठीक है, गिवन है भाई। तो ये था बच्चों भाई हमारे पास डिजाइन स्टेप था टेंशन मेंबर का, न्यूमेरिकल करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी। और एक टेबल और देखिए भाई 4.3 है जिसमें डिस्टेंस एज हमें होल्स का मिलेगा, डायमीटर ऑफ द होल है भाई एक साइड में, डिस्टेंस शेड कर रखा है, फिर डिस्टेंस रोल्ड मशीन का टेबल का यूज करके हम अपने क्वेश्चन को करेंगे।